नवीं कक्षा के सभी छात्रों का मैं शिकलगार सर तहे दिल से स्वागत करता। हम अध्ययन कर रहे थे कवि गुलजार जी की लिखी हुई कविता, कविता क्रमांक 4 किताब। इसके दो भाग हमने देखे हैं, आज हम भाग दूसरा देखेंगे। दो भाग यानी पहले 5 पंक्तियों का एक भाग और दूसरे 7 पंक्तियों का एक भाग। अब तीसरा भाग जो है वह हम देख रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। किताबें वह सारे उधड़े उधड़े हैं। छात्रों, नए शब्द यानी कठिन शब्दों का अर्थ मैं बताता हूं, आपको लिख कर लेना है। उधड़े उधड़े मतलब है बिखरा हुआ। कोई सपा पलटता तो एक सिसकी निकलती है। सपा जिसे हम किताबों के पन्ने कहते हैं, पन्ना, एक यानी एक, कई लफ्जों के मानी गिर पड़ते हैं। यहां पर उर्दू शब्द है लफ्जों, जिसे हम शब्दों यानी शब्द, लफ्ज यानी शब्द, उसका बहुवचन हो गया लफ्जों यानी शब्दों। मानी जिसके अर्थ हम कहते हैं प्रतिष्ठा भी कह सकते हैं। बिना पत्तों के सूखे तुंड, सूखे सूखे हुए पत्तों, पत्ता कहते हैं हम उसे, तुंड यानी सूखा हुआ पेड़ जो दिखाई देता है हमें, उसे हम तुंड कहते हैं। अल्फाज मतलब है शब्द, जिन पर आप कोई मानी नहीं उगते। मानी यानी मतलब। देखेंगे और एक बार हम ये पंक्तियां। वो सारे उधड़े उधड़े हैं, कोई सपा पलटता तो एक सिसकी निकलती है। कई लफ्जों के मानी गिर पड़ते हैं, बिना पत्तों के सूखे तुंड लगते हैं। वो सब अल्फाज जिन पर आप कोई मानी नहीं उगते। इन पंक्तियों का भावार्थ हम देखेंगे। देखो छात्रों, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं पुराने हुए किताबें जिनके पन्ने उधड़े हुए हैं, फटे हुए हैं। वो सारे उधड़े उधड़े हैं, कोई सपा पलटता तो एक सिसकी निकलती है। देखिए ये किताब इस पूरे उधड़े हुई है। कवि किताबों की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि ये किताबें रिश्तों संबंधों के बारे में बताती थी। वे सारे संबंध आप उधड़ गए हैं। हम अगर कई शब्द किसी पंक्तियों का ज्यादा हम भावार्थ जानना चाहते हैं, उसका संदर्भ जानना चाहते हैं, तो हमें संदर्भ पुस्तक हम निकाल कर उनमें ढूंढते हैं, यानी उनका संबंध हम देखते हैं। अब ये किताबों की ओर कोई देखता भी नहीं है, हर एक कंप्यूटर मोबाइल में उनके भावार्थ अर्थ देखते हैं। तो ये रिश्ते हमारे आप छूट गए हैं, वे सारे संबंध आप उधड़ गए हैं, टूट से गए हैं। अब ये उन किताबों का कोई पन्ना पलटते हैं तो उनकी हालत देखकर उन्हें रोना आ जाता है। पुरानी हुई किताबों अगर हम निकालें और उसका पन्ना हम पलटते हैं तो वो पन्ना उन किताबों से अलग हो जाता है। ऐसी हालत आप इन किताबों की हो गई है। और उनके गले से शीशा
शिष्कारी निकल पड़ती है अनिल किताबों से। अब वो सिसकी निकल पड़ती है, एक आह निकल पड़ती है। कई लफ्जों के मानी गिर पड़ते हैं, बिना पत्तों के सूखे तुंड लगते हैं वो अब अल्फाज, जिन पर आप कोई मानी नहीं होते। इन पन्नों से कई शब्दों के अर्थ फटकर गिर पड़े हैं, बिना अर्थ वाले शब्द ऐसे दिखाई दे रहे हैं कई जगह, किताबें फटी होने से वो शब्द भी हमें दिखाई नहीं देते, धुंधले हो गए हैं, जैसे वो बिना पत्तों वाला कोई ऐसा थुंत हो गया है या स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। एक पेड़ है, उस पेड़ के सारे पत्ते आप गिर गए हैं, जैसे वो टुंड यानी ठुंत हो गए हैं, वैसे ही उन किताबों से, पुरानी किताबों से शब्द पन्ने निकल गए, जिसकी तुलना कवि ने यहाँ पर इन बिना पत्ते वाले थुंड से की, जिस पर आप कोई अर्थ नहीं उगने वाला। अब इस ये जो पेड़ सूखा हुआ है, ठुंठ हो गया है, अब वो नहीं फूलने वाला, हाँ फिर वो नहीं हरा भरा होने वाला। उसी तरह पुरानी किताबें के गिरे हुए पन्ने, उनके शब्द फिर से उसके माने अब नहीं उगने वाले। आगे देखेंगे, जुबा पर जो जायका आता था, जो सपा पलटने का। जुबा जीभ, जायका स्वाद, सपा यानी पन्ना। अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है, झपकी पलक झपकते ही बहुत कुछ तब तह खुलता चला जाता है। पर्दे पर किताबों से जो जाता राबता था, राबता यानी हमारा संपर्क कट गया है। देखेंगे फिर एक बार यह पंक्तियां, जुबा पर जो जायका आता था, जो सपा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है बहुत कुछ तब तब खुलता चला जाता है। पर्दे पर किताबों से जो जाती राबता था कट गया है। क्या मतलब है इन पंक्तियों का हम देखते हैं। कवि पुस्तकों और कंप्यूटर पर पुष्ट पलटने की तरीकों के बारे में कहते हैं, कैसे देखें, जुबा पर जो जायका आता था, तो सपा पलटने का। हम किताब पढ़ते समय अगर एक पन्ने पर अगर पढ़कर हुआ, तो वो पलटते समय हम अपने उंगलियों से जुबा पर टिकाकर, यानी जुबा से वो उंगली गीली करके वो पन्ने हम पलटते थे, जिससे उन पन्नों का संपर्क हमारे उंगली से होता था और वह उंगली हमारे जुबान से होती थी, और उससे हमारे जुबा पर, हमारे जिह्वा पर एक प्रकार का जायका स्वाद उभर कर आता था। किताबों के पृष्ठ पलटने में जीभ को एक प्रकार का स्वाद मिलता था। अब देखो क्या हो रहा है, कंप्यूटर पर उंगली से क्लिक करने पर, यहां पर स्क्रीन पर दिखाई देता है कि उंगली से क्लिक करने पर जो पन्ने हैं, जो पुष्ट है, पलक झपकते ही बदल जाते हैं। उसके एक क्लिक से हमारी पलक झपकते हैं, वह पन्ना पलट जाता है। बहुत कुछ तब तब खुलता चला जाता है पर्दे पर, किताबों से जो जाती राबता था कट गया है। एक क्लिक से ही वह पन्ना पलट जाता है पर्दे पर मन चाहे ढंग से, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक कोई भी पृष्ठ खोला जा सकता है। यहां पर अब हमारा उंगली का, जीभ का
और ये जायका का संबंध ही नहीं रहा। सिर्फ उंगली रखने से कंप्यूटर के पर्दे पर वो पन्ने पलटते जाने लगे। इसके कारण लोगों का किताबों से बना हुआ निजी संपर्क अब टूट गया है। जो मनुष्य का संपर्क किताबें पढ़ने से, उनके जायके से, उन रिश्तों से अब हम दूर होते चले गए, और हम आप सब कुछ इन मोबाइल के स्क्रीन पर या कंप्यूटर के पर्दे पर क्लिक करके ही अब हमारा दिन गुजर जाने लगा है। आगे देखते हैं। कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते कभी घुटनों को अपने रिहेल की सूरत बनाकर, रिहेल जिसे हम ठावनी कहते हैं, जिस पर धर्मग्रंथ रखकर पढ़ा जाता है, निम सजदे में पढ़ा करते थे, छूते थे जुबा से जुबा माथा, जो सारा इल्म, इल्म यानी ज्ञान तो मिलता रहेगा आइंदा भी, आइंदा यानी भविष्य में भी। फिर एक बार पंक्तियों को देखें क्या हम। कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रेहेल की सूरत बनाकर निम सजदे में पड़ा करते थे, छूते थे जबी से वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। क्या कहते हैं कभी देखें। यहाँ पर हम किताबें पढ़ते समय हमारे किस तरह की कृतियां होती थी, इसका वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। कवि किताबों के संपर्क के बारे में बताते हैं, कहते हैं कि किताबें पढ़ते समय वे किताबों को कभी छाती पर रखकर लेट जाते थे। यानी किताब पढ़ते समय हम लेट कर छाती पर रखकर किताब पढ़ा करते थे, या कभी उन किताबों के हमारे गोदी में रख लेकर किताब पढ़ते थे। यानी पहली दो पंक्तियों का भावार्थ हो गया, कभी सीने पर रख के लेट जाते थे छाती पर रखकर, कभी गोदी में लेकर वो पढ़ा करते थे, कभी घुटनों को अपने रेहेल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पढ़ा करते थे, छूते थे जबी से। अब घुटनों को अपने रेहेल की सूरत बनाकर यानी किस तरह, देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिखाई देता है कि हम किताब किस तरह रिहेल बनाकर पढ़ा करते थे। कभी अपने घुटनों को रिहेल की तरह बनाकर पुस्तक उस पर रखकर आधा माथा टेक कर पढ़ते थे, उसे माथे पर चढ़ाते थे। यानी किताब पढ़ने के बाद हम वह किताब अपने माथे से उसे टिकाकर, यानी धर्म ग्रंथ होगा तो वह किताब हम माथे से उसे छूकर रखते थे, ताकि भविष्य में भी उसे ज्ञान प्राप्त होता रहे। बार बार इन किताबों से हमें उसका इल्म ज्ञान प्राप्त हो जाए। जिस तरह कहा जाता है कि ज्ञान हमें इन ग्रंथों से मिलता है, यानी ग्रंथ हमारे गुरु होते हैं, अनिर ग्रंथों से ही सब कुछ हमें ज्ञान प्राप्त होता है, उस तरह इन किताबों को हम माथे से छूकर इन किताबों को हम रखते हैं। अब आखिरी चार पंक्तियां हैं। मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुके, रुके यानी चिट्ठी, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, रिश्ते यानी संबंध, उनका क्या होगा, वो शायद अब नहीं होंगे। देखेंगे और एक बार। मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुके, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा, वो शायद अब नहीं होंगे। इन किताबों से कुछ हमारी रोचक बातें हुआ करती थी। मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल, किसी ने हमें अगर फूल दिए हो तो वो फूल हम इन किताबों में रखते थे,
वो फूल सूख जाए फिर भी वो फूल हम किताबों में रखते थे। उसी तरह चिट्ठियां भी हम इन किताबों में संभाल कर रखा करते थे। यह अब इस कंप्यूटर में हमें दिखाई नहीं देता। किताबों में कभी कभी किसी के लिए फूल या संदेश पत्र रख दिया जाता था, जिन्हें लोग सूख जाने पर भी संभाल कर रखते थे। ये उनके संबंधों को ताजा करते थे। यानी हम जब कभी हमें याद आए तो वो चिट्ठियां वो फूल हम देखा करते थे। किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे। हम रास्ते से चले जाते समय इन किताबों को हमारे हाथ में लेते थे, इन किताबों को हमें गिराया करते थे, इन किताबों को उठाते समय हमारे रिश्ते भी बन जाते थे। किताबों के गिरने और उठाने के बहाने कुछ लोगों के जिंदगी भर के संबंध जुड़ जाते थे, उनके रिश्ते बन जाते थे। उनका क्या होगा, वो शायद अब नहीं होंगे। अब यह जिंदगी भर के संबंध बन जाने वाले अब यह किताबें अलमारी में पड़े पड़े रहे हैं। अब हाथ में मोबाइल और कंप्यूटर आ गया है, लैपटॉप आ गया है। अब इन संबंधों का, इन फूलों का, इन महके हुए चिट्ठियों का अब क्या होगा, यहाँ पर कवि ने एक सवाल उठाया है। हम यहाँ पर रुकेंगे। धन्यवाद।